हेलो बेटा, क्लास 5। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे सोशल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैप। बेटा आप सभी लोगों ने मैप तो देखा ही होगा, है ना? नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं देखा है तो ये देखिए, इसको मैप कहते हैं बेटा। ये तो इंडिया का मैप है। इसी तरीके से वर्ल्ड के हर कंट्री का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, कॉन्टिनेंट्स का मैप होता है, बहुत सारे तरीके के मैप होते हैं, ठीक। इसके अलावा मैप में सिर्फ कंट्रीज ही नहीं दिखाए जाते हैं, मैप में हम लोग वहाँ के मौसम, वहाँ क्या पाया जाता है, हर तरीके का मैप, मतलब मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है, जानना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एटलस खरीदना होगा बेटा। एक एटलस आप खरीदिएगा और उसको देखिएगा, उसमें आपको हर तरीके का मैप मिलेगा। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। अ मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑन अ फ्लैट सर्फेस। मैप होता क्या है? पूरे अर्थ का रिप्रेजेंटेशन एक फ्लैट सर्फेस पर। जब हम किसी फ्लैट सर्फेस पर, जैसे फ्लैट सर्फेस है, एक फ्लैट सरफेस पर किसी भी एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ के किसी भी पार्ट को, तो उसको हम कहते हैं मैप। मैप में क्या पता चलता है? मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड जियोग्राफिकल डेटा विच इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू द ग्लोब। जो डेटा ग्लोब में पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो मैप में पॉसिबल हो पाता है, मैप में दिखाते हैं उसको। इट इज़ ट्रू दैट अ ग्लोब इज़ अ रियल मॉडल ऑफ द अर्थ, बट इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ ग्लोब ऑफ बिग साइज। हाँ, ये बात सही है। इट इज़ ट्रू दैट अ ग्लोब इज़ अ रियल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब तो अर्थ का रियल मॉडल है, ज़रूर है, लेकिन ग्लोब में बहुत सारी कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? हम ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले नहीं जा सकते हैं। मैप को क्या किया? मोड़ा और लेकर के पॉकेट में रखा और चल दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो ग्लोब में हम नहीं शो कर सकते, बट मैप में आसानी से शो कर सकते हैं, ठीक है। सो इट ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स, एन ईजी डिवाइस वॉज डेवलप्ड एंड दैट इज़ मैप। देयर इज़ नो डाउट दैट अ ग्लोब इज डील ग्लोब इज़ एन आइडियल बिकॉज इट हैज़ 3 dimensions लाइक द अर्थ। हाँ, ग्लोब से हम अर्थ के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बेशक, कोई बात नहीं। हम इस बात को बिल्कुल गलत नहीं ठहराएंगे कि ग्लोब से हम अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मैप जो होता है हैज़ ओनली 2 dimensions। ग्लोब जो होता है 3D होता है, मैप 2D होता है। मैप में 2 ही directions होते हैं, एक लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेथ होती है। मैप कैन बी मेड ऑन पेपर, मैप पेपर पे बना सकते हैं, किसी बोर्ड पर बना सकते हैं, किसी दीवार पर बना सकते हैं, है ना। तो मैप बहुत ही ज़्यादा हैंडी होता है। इट कैन बी ईजिली फोल्डेड, आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, एंड कैन बी केप्ट एनी वेयर, और कहीं भी रख सकते हैं। मैप कैन बी इंक्लूडेड इन बुक्स, मैप को बुक में भी रख सकते हैं। अब बेटा मैप्स, बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन एक बुक में करते हैं, तो उसको हम एटलस कहते हैं। एटलस क्या होती है बेटा? एक कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक। जब खूब सारे मैप्स को कलेक्ट करके उसको हम लोग एक बुक का स्ट्रक्चर दे देते हैं, तो वो एटलस कहलाता है। एटलस नॉट ओनली कैरीज मैप्स ऑफ डिफरेंट ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, बट ऑल्सो हिल रेंजेस, वैलीज, प्लेट्यूज, रेनफॉल, क्लाइमेट, रिवर्स, रोडवेज एंड सो ऑन। एटलस में सिर्फ हमें अलग अलग कंट्री के मैप नहीं देखने को मिलते हैं बेटा, एटलस में हम अलग अलग कंट्री के साथ साथ ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, है ना, हिल रेंजेस, वैलीज, प्लेट्यूज, रेनफॉल, क्लाइमेट, रिवर्स, रोडवे, सब कुछ देख सकते हैं मैप में। द फर्स्ट पर्सन हु ड्रीव अ मैप ऑन अ फ्लैट सर्फेस वॉज गर्डस मार्केटर। जो सबसे पहला पर्सन जिसने मैप बनाया था, उसका नाम है गर्हर्डस मार्केटर। अ पर्सन हु मेक्स मैप। अब देखो, कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं बेटा? जो मैप बनाने का काम करते हैं, जो पर्सन मैप बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स। ये लोग क्या करते हैं? यूज़ वेरियस साइंस एंड सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन इन अ मैप। एक मैप में रिप्रेजेंटेशन के लिए ये लोग अलग अलग साइन और सिंबल का यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको मैप में मंदिर दिखाना, तो वहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर के लिए कोई सिंबल यूज़ कर लेंगे। कोई नदी दिखानी, तो नदी के लिए एक पतली सी लाइन यूज़ कर लेंगे, नदी नहीं बना करके दिखाएंगे वहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं कार्टोग्राफर। दीज साइंस आर कॉल्ड, साइंस एंड सिंबल्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। इन्हीं साइन और सिंबल को क्या कहते हैं बेटा? मैप का लैंग्वेज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, कहीं स्टार दिख रहा होगा, कहीं ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना। तो ये सब क्या है बेटा? अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्स का मतलब अलग होगा, और सर्कल का मतलब अलग होगा, ट्राइंगल का मतलब अलग होगा, सारी चीज़ों का मतलब अलग अलग होता है, सारे साइन और सिंबल्स का। तो साइन और सिंबल की मदद से हम आसानी से मैप को समझ सकते हैं, और आसानी से उसको छोटे से मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शंस। अब मैप में बेटा, अगर हम डायरेक्शंस को स्टडी करें, हम आपको यहाँ पढ़ के नहीं बताते हैं, ऐसे ही आपको बेटा हम समझाते हैं। मैप में देखिएगा, जो मैप में ऊपर का पोर्शन होता है, वो कोई भी मैप हो बेटा, इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, कोई भी मैप हो, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का पोर्शन साउथ होता है, इधर का पोर्शन ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है वो वेस्ट होता है। याद रखिएगा बेटा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शंस होती हैं मैप में, याद रहेगा बेटा आपको डायरेक्शंस। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। और जो ये मेन डायरेक्शंस के बीच में बेटा आपको डायरेक्शंस देखने को मिल रही है ना, एन ई लिखा हुआ है, ये एस ई लिखा हुआ है, ये एस डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये एन डब्ल्यू, इनको हम कहते हैं सब डायरेक्शंस। क्या कहते हैं बेटा? सब डायरेक्शंस। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, और आप देखेंगे नॉर्थ और इधर देखेंगे अगर